लेट्स फाइंड जॉब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड जॉब में आपका स्वागत है। ये जानकारी उन परीक्षार्थियों के लिए जो अभी ओपन बुक एग्जाम्स देने वाले हैं, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए लगभग एक समान निर्देश रहेंगे। ये जानकारी मैं आपको महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की ओर से दे रहा हूँ, तो आप इसमें देख लें कि आपको क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर पुस्तिका आपको जमा करना है, कैसे लिखना है, उसका प्रोफार्मा क्या है, उसमें क्या क्या लगाना है, ये जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में दी जाएगी। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी को समझ सकें। तो सबसे पहले आपको अपने प्रश्न पत्र के लिए जो उत्तर पुस्तिका बनानी है वो A4 साइज़ की होनी चाहिए। A4 साइज आप समझ सकते हैं जैसे कि फ़ोटोकॉपी हम किसी भी पेपर में कराने जाते हैं नॉर्मल, तो उस तरह का A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए। आप उस पर लाइन खींच सकते हैं या प्रिंट किए हुए पेपर भी ले सकते हैं। इस पर आपको केवल नीले और काले रंग के पेन से ही लिखना है, किसी अन्य कलर के पेन से नहीं लिखना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। और आपको ये कॉपियाँ कहाँ जमा करनी है, तो ये कॉपियाँ आप जहाँ पढ़ रहे हैं अपनी अध्ययनरत महाविद्यालय में ही जमा करनी है। एक बात और याद रखना है कि इस पृष्ठ पर आपको एक प्रोफार्मा लगाना होगा। मैं आपको वीडियो में आगे प्रोफार्मा दिखा दूंगा, उसका नमूना किस तरह का है, उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है ये भी बता देते हैं। उसमें आपको रोल नंबर, नामांकन, महाविद्यालय का नाम, विषय, प्रश्न पत्र, ये सब आपको शीर्षक मुख्य पृष्ठ पर भरना होगा। और जब आप ये कॉपियाँ जमा करेंगे तो आपको एक पावती भी मिलेगी, इसको आपको खुद लेकर जाना होगा। पावती भी आपको मैं इस वीडियो में लास्ट के अंत में दिखा दूंगा, तो आप वीडियो ज़रूर पूरा देखें। और यदि आपको ये कॉपियाँ जमा करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉपी को रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। ये रहा पता, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की ओर। तो आप वीडियो को पुश करके ये पता नोट कर सकते हैं यदि आपको उत्तर पुस्तिका कॉलेज जाकर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके साथ ही एक और बात है कि यदि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका स्वयं नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ नकल का प्रकरण भी बन सकता है। तो ध्यान रहें कि उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखें और एक से अधिक हस्तलिपियाँ ना होनी चाहिए, ना ही फोटोकॉपी होनी चाहिए, नहीं तो अनुचित साधन UFM लग सकता है और आपका रिजल्ट रुक सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको प्रोफार्मा दिखाई देते हैं, तो ये प्रोफार्मा देखने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, ये रहा प्रोफार्मा जिसमें आपको क्या क्या भरना है, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो इस प्रोफार्मा को हर एक कॉपी में आपको सबसे ऊपर लगाना होगा। तो सबसे ऊपर आपको महाविद्यालय का नाम लिखना होगा जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, इस पर आपको वर्ष या सेमेस्टर लिखना होगा, जो भी आप कोर्स लिए हैं, नियमित या स्वाध्यायी हैं, विषय हैं, प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का शीर्षक और कोड आपको प्रश्न पत्र में मिलेगा। यहाँ आप अपना रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद नामांकन लिखेंगे और प्रश्न पत्र प्राप्ति की दिनांक लिखेंगे, उत्तर पुस्तक जमा करने की दिनांक। यहाँ पे कुल कितने पृष्ठ की कॉपी आपने जमा की ये पूरा भर के आपको नीचे हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद आपको नीचे संग्रहण जहाँ पे वो ये होगा, ये ऑफिस वर्क रहेगा, ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे ऑफिस वर्क नहीं करना है आपको, केवल आपको नीचे साइन करके छोड़ देना। इसके बाद आपको पावती का प्रोफार्मा दिखा देते हैं किस तरह का होगा। और यदि आप ये दोनों अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, तो ये रहा पावती का एक प्रोफार्मा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर महाविद्यालय का नाम और कोड लिखना है। यहाँ आप अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा और विषय लिखेंगे लाइन से और प्रश्न पत्र लिखेंगे। यहाँ पे प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर रहेंगे, यहाँ छात्र अपने हस्ताक्षर करेगा और नीचे महाविद्यालय के प्रभारी के हस्ताक्षर और दिनांक और सील रहेगी। तो आपने ये पावती भी देख ली होगी, तो ये पावती आप ज़रूर लेकर जाएं, तब आप कॉपी जमा करें। तो आप ये पावती मैं अपने साइन करा के ही वापस लें ताकि आपको ये प्रूफ रहे कि आपने कॉपियां जमा की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।